हेलो एवरीवन, मैं सौरव गुप्ता आप सभी लोगों का तैयारी डिजिटल क्लासेज में स्वागत करता हूं। और लेक्चर नंबर आपका 15 चल रहा है सिंप्लीफिकेशन में, और आज हम लोग मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। तो सभी लोग फटाफट एक बार लिंक को शेयर कर दें। और कल की क्लास में आपने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने कल आपके सामने दो क्वेश्चन डिस्कस किया है, बाकी आज हम लोग देखते हैं दूसरे टाइप के क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो एक बार फटाफट लिंक को शेयर कर दें। तो सभी लोग एक बार लिंक को शेयर कर दें। अब सेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आज आपका है 210। 210 नंबर आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है, सीजीएल मेंस में पूछा गया है, और ये आपका बार से रिलेटेड क्वेश्चन है। और एन और एम की वैल्यू दे रखी है, तो 1/n + 1/m का मान क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए, टाइमर यहाँ पर लगा दिया जाए और टाइम आपका स्टार्ट होता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। क्या तरीका हो सकता है, क्या बेस्ट वे हो सकता है, ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग जल्दी सॉल्व करते हैं, और काफ़ी लोग का आंसर अभी फिलहाल आया ही नहीं है। आंसर लग रहा है प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को। यहाँ पर देखिएगा जो n की वैल्यू है, ठीक है, जो n की वैल्यू है यहाँ पर लिखा है 0.369। तो क्या मैं लिख सकता हूँ n बराबर 0.369 का बार, भाई 0.369 के ऊपर बार। ऐसे m की वैल्यू मैं क्या बता सकता हूँ, m बराबर जो होगा यहाँ पर ये यह आपका होगा 0.531 के ऊपर बार। और जैसा कि आपको पता है इसको अगर हम भिन्न भिन्नात्मक रूप में अगर चेंज करें, भिन्न के रूप में चेंज करें, तो ये आपका आएगा 369/3/9 ये आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये आ जाएगा 531/999। अब आपको क्या करना है, इसको जोड़ना है। देख रहे, पूछ रहा है 1/n + 1/m, इसको नहीं जोड़ना, ये तो n और m की वैल्यू है। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस वैल्यू को उठाकर यहाँ रखूँगा, n की वैल्यू को उठाकर यहाँ रखूँगा, तो 1/n है, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो ये जब ये पलट जाएगा, तो अगर आप ध्यान से देखें तो 999 तो भाई दोनों में ही है, तो ये कॉमन आ जाएगा, और नीचे की साइड बचेगा 1/369 और प्लस 1/ क्या बचेगा, 531। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से एक बात तो और ध्यान से अगर देखें तो हाँ, ये 9 से देखिए कट भी रहा है। अगर 9 से मैं इसको काटूँ तो देखिए 111, और ये 9 से कटेगा तो 9 4 36, 9 1 9, और ये भी कट जाएगा 9 5 45, और कितना बचेगा, 9 9 81। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 9 इधर आएगा और 1 इधर आएगा, तो क्या जाएगा, 10। मतलब ऊपर की साइड आपका होना चाहिए क्या, 10 के फॉर्म में आना चाहिए। मतलब ऊपर की फॉर्म में जो आपका अंश होगा
वो आपका 111, और ऊपर की साइड अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन है जो आपको दिख रहा है अंश में, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन। डिनोमिनेटर भी आप चेक कर सकते हैं, अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 9, तो एक ही ऑप्शन है जो यूनिट प्लेस पे क्या दे रहा है, 9 दे रहा है। तो हमने पूरा इसको सॉल्व भी नहीं किया, हमने क्या किया ऑप्शन को भी ध्यान में रखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो अच्छा क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में पूछा गया, तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, बी नहीं होगा। बी कैसे हो जाएगा भाई, बी नहीं होगा, क्या होगा, ए ऑप्शन। एक बार आप जरूर ट्राई करिएगा ऐसे क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 211 ध्यान से देखिएगा और इसका आपको जवाब देना है। इसका मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, अगर आपको याद होगा इसका फॉर्मेट आपको पता ही है, और ये डायरेक्ट आपका बना रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया भी है, तो फटाफट जल्दी से बता दीजिए। एक हिसाब से देखा जाए तो मैंने आपका एक वही क्वेश्चन का मैंने टेस्ट ले लिया, देखते हैं क्या आपको याद है कि नहीं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी, हाँ बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, 2 आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको पहले ही करा दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 212, हाँ अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिलहाल तो मैं चाहूँगा एक बार इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दें, और टाइमर तो आपके सामने दिख ही रहा है, तो जल्दी से फटाफट इसका जवाब दीजिए कि लिखा है यदि 3a plus 4b upon 3c plus 4d equal to 3a minus 4b upon 3c minus 4d, इसको सॉल्व करने के बाद इसमें कौन सा रिलेशन आपका सही है, आपको ये बताना है, ठीक है। आप चाहें तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसके अलावा क्रॉस मल्टीप्लाई के अलावा क्या हम ऐसा करें कि हमारा आंसर और फास्ट आ जाए, जल्दी आ जाए, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए कितना आएगा, क्वेश्चन नंबर ये आपका 212 है, और शायद ये आपको विजुअल नहीं हो रहा होगा लेकिन मैं बोलता हुआ चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर ये आपका क्या है, 212। चलिए देखिए यहाँ पर इसका जवाब क्या होगा, देखिए एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। अब यहाँ पर जो आपका टाइप है ये आपका है सी एन डी रूल, वैसे देखा जाए तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी आता है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं योगांतर अनुपात, या इंग्लिश में अगर हम बात करें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, सी का मतलब होता है कंपोनेंडो और डी का मतलब होता है डिविडेंडो, ठीक है, योगांतर अनुपात नियम। तो योगांतर अनुपात नियम क्या कहता है पहले उसको समझ लेते हैं। अगर आपके सामने ए अपॉन बी बराबर 4/3 है, तो अगर मैं यहाँ सी एन डी रूल लगाता हूँ तो सी एन डी रूल क्या कहता है कि एक बार अंश वाला जो आपका न्यूमरेटर है इसको लिखिए और नीचे वाले को एक बार जोड़ दीजिए, फिर ऊपर वाले को लिखिए, फिर नीचे वाले को घटा दीजिए, वही काम जो आपने LHS में किया वही काम आपको RHS में भी करना पड़ेगा, यही इसी को हम लोग बोलते हैं सी एन डी रूल। बात समझ भाई, ये हम ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन में आप देख ही रहे हो, उसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पर हम सी एन डी रूल अप्लाई कर सकते हैं, और इसी टाइप पर मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, ठीक है। अब देखिए कितना मजा आने वाला है, फिलहाल यहाँ पर आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है अगर आप ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ठीक है। क्या जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ से सी एन डी रूल लगाया तो मेरा ये आया, मैं चाहूँ तो यहाँ से भी सी एन डी रूल लगाऊँ और ये आ जाए, बात समझ में आ गई, यहाँ अगर मैं सी एन डी रूल लगाऊंगा तब ये आ जाएगा। तो क्या होता है समझिएगा ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर अगर आप सी एन डी रूल लगाते हो
तो ये ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसका मतलब सीधी सी बात है, ऊपर नीचे आपका सेम होना चाहिए और प्लस माइनस में होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इधर लेकर आऊँगा और इसको इधर लेकर आऊँगा और काम हमारा बन जाएगा। कहने का मतलब ये आपका बन जाएगा 3a + 4b, और जब इसको इधर लेकर आऊँगा तो क्या आ जाएगा, 3a - 4b, ठीक है। और बराबर ये आ जाएगा 3c + 4d, और अपान में क्या आ जाएगा, 3c - 4d। जैसा ये दिख रहा है वैसा ये दिख रहा है, बस इतना अंतर है कि यहाँ पर वेरिएबल में डिफरेंस है, मतलब यहाँ ए बी के फॉर्म में है और यहाँ पर राइट हैंड साइड में किसके फॉर्म में है, सी और डी के फॉर्म में है। तो क्या करेंगे, सी एन डी रूल अप्लाई किया जाए। तो कैसे अप्लाई करते हैं, जैसा कि आपको पता है जब सी एन डी रूल हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या आने वाला है, अंश प्लस हर। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पर जोड़ेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें, 4b और -4b कट जाएगा और 3a + 3a क्या जाएगा, 6 है। कितना आएगा, 6 है। और ऐसे ही अगर मैं नीचे जब लिखूंगा तो इसको लिखने के बाद इसको घटाऊंगा, जब इसको घटाऊंगा तो -3a हो जाएगा, तो -3a + 3a कट जाएगा और ये 4b आ जाएगा, तो 4b कितना आ जाएगा, 8b। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इसमें भी वही चीज़ अप्लाई करेंगे, लेकिन बस इसमें अंतर यही रहेगा, जैसे यहाँ पर 3a है, यहाँ 3c है, तो हमारा यहाँ क्या जाएगा, 6c आ जाएगा और यहाँ क्या जाएगा, 8d आ जाएगा। इन फैक्ट 6 और 8 को लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है भाई वो कांस्टेंट है, वो दोनों साइड आएगा तो कटना श्योर है। तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या है, a / b = c / d। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से तो आपका आया ad = bc। अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा रिलेशन है जो आपको इसको बता रहा सही। ad = bc कहाँ पर है ऑप्शन, ad = bc, b ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो cnd रूल का मतलब होता है योगांतर अनुपात, और इंग्लिश में अगर फुल फॉर्म अगर जानना चाहें तो इसे हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखें कितना आसानी के साथ आप कर सकते थे, मतलब यहीं पर अगर आप सोचते तो आप मुझवानी कर सकते थे, क्योंकि आप जब इसमें लगाते, जब इस साइड करते तो बी भी कटता, तो ऊपर से ए बचता, नीचे डी बचता, ऊपर ए बचता और नीचे क्या बचता, बी बचता, ठीक है। और ऐसे यहाँ पर भी a / b बचा, और ऐसे यहाँ पर लगाते तो क्या बचता, c / d, तो ad = bc एक बार में आपका आंसर आ गया, ठीक है। जब प्रैक्टिस के मोड में आते हैं तो इस तरीके से आपकी स्पीड होनी चाहिए। अब पता चला वहां पर अगर मैं लगाता सीएनडी रूल, अब जैसे इसको मैं लिखता क्या लिखता पता है, 3a + 4b + 3a - 4b, मतलब ये सिर्फ LHS लिख रहा हूँ। फिर नीचे लिखूंगा क्या लिखूंगा, 3a + 4b - 3a + 4b। अब इतना मैंने सिर्फ LHS लिखा, और यहां से फिर इसको काटा, फिर इसको काटा, ठीक है। अब फिर RHS फिर इतना बड़ा लिखूंगा, फिर काटूंगा, फिर जोड़ूंगा, फिर मतलब कुल मिलाकर भाई जब हम कोई चीज़ मुझवानी कर सकते हैं तो क्यों हम पेन चलाएं। और वैसे भी ऑनलाइन का समय है, और ऑनलाइन में जितना हो सके अपना दिमाग चलाना है, पेन को कम यूज करना है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुँच चुके हैं 213 नंबर क्वेश्चन। और देखिए ये आपका जो फॉर्मेट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस पे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो ये भी सिंप्लीफिकेशन के बेस पर आधारित है। तो मैं चाहूँगा एक बार पहले आप फटाफट इसका जवाब दें, फिर मैं इस पे दो पॉइंट लिखाऊंगा, उसको आपको नोट करना है और उस एप्लीकेशन का आपको यूज करना है, ठीक है। और फिर आप देखिएगा मुझवानी, इन सारे क्वेश्चन को आप मुझवानी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा, इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट करना है, वो क्या है। अगर पहला पॉइंट a + b² ठीक है + a - b² ये होता है 2 ब्रैकेट में a² + b²
ये आपका बी स्क्वायर। दूसरा जो आपका पॉइंट है, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो ये आता है आपका 4ab। क्या आता है? 4ab। देखने में तो ये छोटा सा है लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछे गए और इनका यूज करके आप सेकेंडों में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं सेकेंडों में। और उसके लिए कुछ बातें बस जाननी है रूट के लिए। अगर रूट फोर है, अगर रूट फोर में फिर मैं रूट फोर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो रूट हट जाता है। जैसा कि आपको पता है अगर रूट फाइव का रूट फाइव से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या जाएगा? पाँच आ जाएगा। अगर मैं रूट फाइव का रूट टू से करूँगा तो रूट नहीं हटेगा। अगर सेम रहेगा तब हट जाएगा। अगर रूट में ही है, वर्गमूल के रूप में है लेकिन यहाँ नंबर्स अलग अलग हैं तो अंदर आपका ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, बाकी फार्मूला आपको पता ही है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, इसका भी यूज हम लेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको आपको ध्यान रखना, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं इसको आप ध्यान से देख लीजिए पाँच सेकेंड और फिर हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, काफ़ी लोग का आंसर आ भी रहा है कि सर 213 का बी आ रहा है, 213 का सी आ रहा है। चलिए देखते हैं कितना आंसर आने वाला है। नोट कर लिया आपने? चलिए क्वेश्चन पर आ चुके हम लोग। अब यहाँ पर आपको बताना है क्या आंसर आएगा। अब आप सोच रहेंगे सर यहाँ पर कैसे हमें यूज करना है, तो मैं पहले आपको एक स्टेप बताता हूँ। वो स्टेप फिलहाल सिर्फ लिखने के लिए है, नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन एग्जाम में ये स्टेप लिखना नहीं है। इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो दो तरीका, या तो आप क्या करिए रेशनलाइज कर दीजिए, परमेयीकरण कर दीजिए, या तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्या करिए? क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो स्टेप दिखाने वाला हूँ उसको आप ध्यान से देखिएगा, और इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर की साइड आएगा रूट थ्री प्लस रूट टू का होल स्क्वायर, और ये माइनस साइन है, तो इधर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा रूट थ्री माइनस रूट टू का होल स्क्वायर। और नीचे की साइड जो आएगा इसका इसका भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें किया, इसका इसमें किया माइनस लगाकर, और फिर इसका इसमें किया, तो ये आपका आ जाएगा रूट थ्री माइनस रूट टू, और एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में रूट थ्री प्लस रूट टू। अगर आप जहाँ भी नोट कर रहे हैं अपनी कॉपी में तो वहाँ पर ऐसे क्रॉस भी लगा लीजिएगा। और ये क्रॉस लगाने का मतलब ये है कि ये स्टेप आपको लिखना नहीं है, ये स्टेप लिखना नहीं है। अब आप सोचेंगे अब क्या करा जाए, अब ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने जो आपको नोट कराया है अगर वहाँ ध्यान से देखें तो ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और ये क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। और अगर बीच में माइनस साइन लगता है तो क्या आता है रिजल्ट? डायरेक्ट बताइए, 4ab। 4ab, a की वैल्यू क्या है? रूट थ्री। b की वैल्यू क्या है? रूट टू। इसका मतलब मैं डायरेक्ट बोलूँगा 4 तीन दूनी 6 4 रूट 6। और नीचे की साइड होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कभी भी रूट में अगर कोई चीज़ वैल्यू रहेंगे इस तरीके से डायरेक्ट 3 माइनस 2 क्या कर दीजिए? 1। तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ चुका है क्या? 4√6। यही आपका आंसर है, मैंने ये स्टेप लिखा ही नहीं। अब अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप यहीं से ध्यान से ही अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको तुरंत बदल जाएगा ये फॉर्मेट क्या है। 4ab अपॉन क्या बन जाएगा? अपॉन में नीचे 1 आ जाएगा, और 4ab का मतलब क्या हो गया? 4√6। आपका सिर्फ 2 से 3 सेकंड के अंदर इसका जवाब आप दे सकते थे। अब आप चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं कि ये मेथड आपको देखकर मजा आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से आपको परमेयीकरण भी नहीं करना पड़ेगा और तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं फिलहाल इसमें मैंने आपको टाइमर नहीं लगाया था लेकिन समझाने के लिए, लेकिन अब मैं आपके सामने ये चीज़ लगाने वाला हूँ और बताइएगा क्या आंसर आएगा। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा। उसी फॉर्मेट पे ये आपका क्वेश्चन है और ये जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा सा डी वाला ऑप्शन इधर हो गया, ये वाला आपका डी ऑप्शन है। ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन ये सही है। चलिए अच्छा ये बताइए यहाँ पर क्या टाइम लगना है क्या? अभी मैंने बताया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर की साइड से बनता है 4ab, और a और b नीचे है तो ab कट गया, बचा क्या? 4। और मैंने बताया भी था इस टाइप के फॉर्मेट में हमारा आंसर हमेशा क्या आता है? 4 आता है, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। अगर यही प्लस होता और नीचे होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी जो ने पूछा था, तो वहाँ पर आंसर क्या आता है? 2। 4 और 2, ये दो वैल्यूज याद रखिएगा, इस पे एग्जाम में कई बार
आपसे ये पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आ गया और यहाँ तक आपने कर लिया है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको सिंपलीफाई करना है और बताना है क्या आंसर आएगा, और मैं चाहूँगा कि आप बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन का जवाब दें, और दे भी सकते हैं अगर मैंने आपको जो समझाया अगर वो आपको अच्छे समझ में आया हो। इसका आपको जवाब देना है फटाफट। चलिए देखिए यहाँ पर, अब देखिएगा यहाँ पर पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रूट थ्री प्लस वन है, रूट थ्री माइनस वन है। एग्जामिनर ने क्या किया, इसका जो अपोजिट है, इसका रेसिप्रोकल किधर कर दिया, इधर कर दिया। तो आपको एक बार में पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इसका इसके साथ, तो हमारा बनेगा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्लियर। तो ये बताइए, और नीचे की साइड क्या बनेगा, रूट थ्री माइनस वन और रूट थ्री प्लस वन, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो नीचे से तो आपका अपॉन में दो आने वाला है, नीचे से दो आएगा, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, टू, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दो से दो कट गया, और ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, रूट थ्री का स्क्वायर क्या जाएगा बताइए। अच्छा मैं लिख दे रहा, नहीं पता चला कि आप बोलेंगे कि सर कुछ ज़्यादा हो रहा है। चलिए यहाँ देखिए, ये मैंने आपको बताया ये दो आया और नीचे दो था, दो से दो कट गया, तो तीन और एक कितना आ गया, चार। पहला वाला पोर्शन जो आपने सॉल्व किया है ये और ये कितना आ गया है, चार। अब एक बार इसको और इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक यही फॉर्मेट ये भी बनेगा। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका बनेगा टू, रूट टू का स्क्वायर क्या आएगा, टू और प्लस वन, तो तीन दूनी छः और छः चार कितना हो जाएगा, दस। बताइए दस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख रहे हैं, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, परिमेयीकरण करने की जरूरत नहीं है। आपने जो लोग अभी देख रहे हैं थोड़ा सा पीछे जाइए और वहाँ पर देखिए, और जो मैंने आपको अच्छे से समझाया है कैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये दो फार्मूला जो मैंने यहाँ बताया है इसका मैंने यूज किया है, ये वाला। ये दो आप जनरली क्या करते हैं कि जो चार और दो पे मैंने क्वेश्चन कराया वो फार्मूला आपको याद रहता है, लेकिन आपने इसका यूज जल्दी नहीं करते। आप इसका भी यूज देखिए हम लोग ने किया और क्वेश्चन को कितनी आसानी के साथ सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़े, चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, और यहाँ पर भी आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, इसको बस आपको जोड़ना है, x प्लस वाई का मान बताना है, और इसमें आपको 15 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, सिर्फ आपको 15 सेकंड का टाइम यहाँ पर लगना चाहिए, और बताइए कितना आंसर आएगा यहाँ पर। चलिए टाइम ज़्यादा हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर भी देखिएगा कितनी आसानी के साथ हम लोग कर सकते हैं। और ध्यान से देखें, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपका प्लस में है, तो देखिए यहाँ पर टू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट फाइव का स्क्वायर पाँच, रूट थ्री का स्क्वायर कितना आएगा, तीन, और नीचे से कितना आएगा, दो, दो से दो कट गया, आंसर कितना है, आठ। क्या आठ आ रहा है क्या सभी का, आंसर कितना आएगा, आठ आएगा।
पेन नहीं चलाना है, इसी तरीके से आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 217, आज ये आपका फिनिश भी हो जाएगा। और इसमें एक आपका टॉपिक रह गया है स्क्वायर रूट ऑफ सर्ट्स, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ सर्ट्स पढ़ा देंगे तो आपका ये पूरा सिंप्लीफिकेशन फिनिश। चलिए इसका जवाब देना है आपको, इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आपको जवाब देना है, इसका आंसर क्या आएगा। और ये आपका जो क्वेश्चन है सीएनडी रूल पर आधारित है, योगांतर अनुपात पर, ठीक है, योगांतर अनुपात पर आधारित है, इसका आपको बताना है क्या आंसर आएगा। और वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन एक मिनट से ज़्यादा का है, लेकिन इसका जो फॉर्मेट है वो आप एक सेकंड से कम है, मतलब एक सेकंड से पहले आप इसका आंसर दे देंगे, इसका जो फॉर्मेट है। एक समय था कि इस क्वेश्चन का जमाना था, होता नहीं कि हर क्वेश्चन का अपना अपना जमाना होता है, कि जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बाबा आजम के ज़माने में पूछे गए थे, ठीक है, उसके अलावा कुछ नए क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, तो हर क्वेश्चन का अपना अपना दौर रहता है जहां पर बहुत बार क्वेश्चन वो रिपीट्स होते हैं। ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, एक समय था जो एसएससी में हर सेट क्या एक ही सेट होता था, उस समय ऑफलाइन होता था, तो वहां पर हमेशा जब भी एग्जाम होता था तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर मिल जाता था, चाहे मेन्स हो, चाहे प्री हो, चाहे सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, तो हर जगह आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता था, ठीक है। चलिए फिलहाल इसके बारे में मैंने डिस्कस किया, इसकी कहानी क्या थी इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आप सीएनडी रूल अप्लाई कर सकते हैं। और मैं डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन एक हिंट मैं आपको दूंगा कि आप डिटेल में आप जाइए घर पर और इसको लगाइए। इसमें आपको जैसे सीएनडी रूल अगर लगाना है तो, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है एक्स प्लस टू ए अपॉन में एक्स माइनस टू ए, यहाँ पर आप डायरेक्ट सीएनडी रूल नहीं लगा सकते, सीधी बात है सीएनडी रूल लगाने के लिए आपको चाहिए क्या x अपॉन 2a के फॉर्मेट में चाहिए, क्योंकि अब आप लगाओगे तो x प्लस 2a और x माइनस 2a बनेगा। अब आप बोलेंगे सर अपॉन 2a कैसे कर दिया, तो मैंने ये जो 4ab है ना इसमें से 2a को नीचे लेते आया, तो बचेगा क्या ऊपर 2b अपॉन में प्लस में, तो यहाँ से आप क्या लगाएंगे सीएनडी रूल, यहाँ से आप लगाएंगे सीएनडी रूल, तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा क्या ये वाला फॉर्मेट आपका आ जाएगा। फिर ऐसे ही आप क्या करोगे x अपॉन 2b का रिलेशन बनाओगे, x अपॉन 2b बराबर 2a अपॉन a प्लस b, उसमें फिर cnd रूल लगाओगे तो हमारा एक इक्वेशन ये आएगा, फिर दोनों इक्वेशन को आप जोड़ दोगे, तो जब आप पूरा जोड़ोगे सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ रहा होगा क्या 2 आ रहा होगा। लेकिन ये सिर्फ मैं आपको करने के लिए बोला हूँ कि घर पर जाइए आराम से इसको करिएगा, ट्राई करिएगा, लेकिन एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको आंख बंद करके सिर्फ आपको क्या बता देना है 2, जैसे ही क्वेश्चन देखा तो आपके दिमाग में तुरंत 2 आ जाना चाहिए और ऑप्शन सीधी बात है आपके आंख के सामने चमक रहा होगा और आप तुरंत टिक कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ समझ में आ गया होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा इस फॉर्मेट में हमेशा आंसर आपका क्या आता है 2 आता है। चलिए जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर आपका था 217 था, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 218 पर, ठीक है। तो इसका अगर ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर जो आपका 218 है, इसका भी आंसर क्या आने वाला है, इसका भी आंसर 2 ही आएगा, तो यहाँ टाइमर तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो आप डायरेक्ट बता दोगे कितना आएगा 2 आएगा। इसका आंसर आपका 2 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 219, ये देखिए काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है ये, और अगर देखा जाए तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर टाइमर देता हूँ और बताइएगा कितनी जल्दी आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये भी आपका सीएनडी रूल पर आधारित क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका सीएनडी रूल पर आधारित है, और बताइएगा इसका आंसर क्या रहा। क्या आंसर आएगा बताइए। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा आप, इसमें थोड़ा आपको लॉजिकल बेस पे भी आप सोच सकते हैं और ये आपको सोचना पड़ेगा। काफ़ी लोग का मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट ध्यान नहीं देता, वो सिर्फ क्वेश्चन लगाने के चक्कर में रहता है और लगाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा,
ऊपर की साइड अगर आप ध्यान से देखें जो पूछ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और नीचे की साइड क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सीधी बात है, ऊपर में अगर ए स्क्वायर में अगर बी स्क्वायर अगर घटाओगे, नीचे में क्या है जोड़ रहे हो, तो सीधी बात है जो भी ऑप्शन होगा अंश वाला क्या होगा, छोटा होगा, ये वाला छोटा होगा, और ये वाला क्या होगा, बड़ा होगा। तो चलिए चेक करते हैं, अंश वाला छोटा होना चाहिए, अंश वाला छोटा होना चाहिए, हर वाला बड़ा होना चाहिए। हाँ, इसके चांसेस है, ये वाला छोटा होना चाहिए, ये वाला बड़ा होना चाहिए, तो इसको मैं देखते ही क्या कर दूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा। यहाँ पर देखिए, ये वाला छोटा, ये वाला बड़ा, हाँ ये भी हो सकता है, ये वाला छोटा, ये वाला बड़ा, ये फिर गलत हो गया। इसका मतलब हमने दो ऑप्शन क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचा, क्या सोच पाए आप? अगर हमारे पास 50% चांस है, अगर आपके पास दो तीन सेकंड बचे हैं, ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है, तो मेरे ख्याल से फिर आप कहीं ना कहीं फिर आप तुक्का लगा सकते हैं इन दोनों में। अगर आपकी किस्मत भाई साथ दे गई तो सही है, नहीं तो फिर गलत ही होगा। अगर टाइम है तो फिर मैं अभी तरीका तो आपको बता ही दे रहा हूँ। अब आते हैं इसके तरीके पर, अब क्या किया जाए, ध्यान दीजिएगा। अगर आप थोड़ी देर ध्यान से देखें, दोनों ही ऑप्शन में 589 यहाँ भी है, 589 यहाँ भी है, तो क्यों हम ऊपर सॉल्व करें, हम डायरेक्ट नीचे वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नीचे वाले को देखना है जो जहाँ से आपका 651 या 661 में कोई ना कोई एक आएगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर सीएनडी रूल कैसे अप्लाई किया जाए। अगर यहाँ पर आप सीएनडी रूल अप्लाई करोगे तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी आएगा, और जबकि हमारा फॉर्मेट क्या है, हमारा फॉर्मेट स्क्वायर में है, क्यूब में भी हो सकता है, तो पहले मुझे इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। और जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 25 का स्क्वायर 625, और 6 का स्क्वायर क्या जाएगा, 36। समझ में आ रहा, 36। हमें क्या चाहिए, प्लस वाला चाहिए। तो सीधी बात है, नीचे की साइड आपका प्लस है, तो डायरेक्ट आप, वैसे देखा जाए तो मैं ऊपर प्लस करता हूँ, नीचे माइनस करता हूँ, तो लेकिन सीधी बात है हमें चाहिए प्लस वाला, बाद में आपको पलटना ही रहेगा। तो हमें नीचे अगर प्लस चाहिए तो इसको इसको जोड़ दीजिए, और अगर इसको जोड़ेंगे तो आएगा 651 3251 6661, आपका जो ऑप्शन आ रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो बी ऑप्शन आपका क्या है, सही जवाब है, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा, मैंने अंश को भी नहीं देखा, 589 क्यों नहीं देखा, क्योंकि ऑप्शन पर आपको बराबर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, इसका जो अप्रोच था ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था, जो आपको जानना था। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा फटाफट। अभी मैंने डिस्कस किया, इसमें आपको 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। फिलहाल मैंने 15 सेकंड का आपको टाइम दे दिया है, और गया काम से यहाँ पर, टाइम तो हो ही चुका है, और इसकी भी कहानी खत्म हो चुकी है इस क्वेश्चन की, क्योंकि इसका भी आंसर 2 है। ठीक है ना, इस टाइप को आप चाहें तो डिटेल में भी एक बार सॉल्व करके जरूर देखिए, क्योंकि बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, कैसे आता है, क्यों आता है, खासतौर से एडवांस मैथ्स के लिए। काफ़ी लोग का जो एडवांस मैथ्स वीक होता है, उनका इसीलिए वीक होता है क्योंकि आप ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। जब तक आप ये नहीं पढ़ेंगे क्यों होता है, कैसे आता है, तब तक आपको वो चीज़ स्ट्रांग नहीं बन पाएगी। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, और अभी ऐसा क्वेश्चन तो मैंने भाई अभी डिस्कस भी कराया था, इसमें भी आपको 5 सेकंड ज़्यादा नहीं लेना है, लेकिन मैंने आपको 15 सेकंड का फिर से टाइम दे दिया है, और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर पहुंच चुके हैं हम लोग 221 पर। क्वेश्चन नंबर 221 पर पहुंच चुके हैं आप, और इसका PDF आपको ग्रुप में तो मिल ही गया होगा। ठीक है, TDC ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आप जरूर जुड़िए, क्योंकि वहाँ पर आपको डेली क्विज के माध्यम से आपको इंगेज किया जाता है। आप डेली जो भी 2-3 क्वेश्चन आपको भेजे जाते हैं, मैथ्स में हो चाहे इंग्लिश में हो चाहे GS में हो, उनका आप जवाब जरूर दिया करिए। और ख़ासतौर से मैथ्स के क्विज में आपको क्या करना है, ये नहीं कि सिर्फ आप जवाब दे रहे हैं तो भाई अच्छी बात है, उसमें आप ज़रूर अपना वोटिंग करिए, लेकिन कोशिश करा करिए कि कॉपी में पेन, मतलब पूरा आपका सलूशन क्या है, आपका अप्रोच क्या है, क्योंकि आपके बहुत सारे भाई बहन हैं जो वहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो भी आपका अप्रोच देखना चाहेंगे कि आपका क्या बेस्ट है। तो सीधी बात है, अगर आपका ग्रुप बनाया गया है तो उसमें आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ वहाँ पर आपको भेजना पड़ेगा, जिससे बाकी लोगों का भी फायदा हो। ठीक है, इसीलिए अगर आपको आता है तो ज़रूर वहाँ पर कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, चलिए, तो इसका जवाब जो था, इसका भी जवाब आपका क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे बना रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मेट पे हमारा आंसर क्या बनता था, 2।
इस फॉर्मेट पे हमारा आंसर क्या बनता है, दो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मतलब आए हैं, ठीक है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, इसमें मैंने थोड़ा चेंजेस किया है और ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ये मैंने अपने से ही इसको डिजाइन किया है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा भाई, देखिए यहाँ पर इसमें हमने फंसाने के लिए क्या किया, ए स्क्वायर, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है अगर माइनस में रहता है तो नीचे की साइड होता है ए बी, और यहाँ पर मैंने क्या किया है 15, इसका मतलब ये 5555 है, तो इसमें से अगर मैं 5 कॉमन लिया और जो 3333 है इसमें मैंने 3 कॉमन लिया, तो 5 कितना हो गया 15, इसका मतलब इसमें से 5 का मल्टीप्लाई अगर मैं इधर कर दूं और 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दूं तो हमारा फॉर्मेट कौन सा बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a इंटू बी। तो इसका रिजल्ट आपको याद ही होगा क्या आता है, 4 आता है, ठीक है। कभी कभी आपसे एग्जामिनर इस तरीके से पूछेगा, जो आपको दिखेगा नहीं उसको आपको दिखाना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ चेंजेस करके भी यहां से आपको फंसाया जा सकता है, लेकिन आप सतर्क रहिएगा, होशियार रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका ये था 222, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 223, ये 200 फिलहाल थोड़ा सा नंबरिंग का यहां दिक्कत हो गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ चुके हैं 223 मान लीजिए, 223 पर आ गए हैं, और इसका आपको आंसर बताना है क्या आंसर आएगा, फटाफट इसका जवाब दीजिए और टाइम स्टार्ट आपका। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा काफ़ी ख़तरनाक क्वेश्चन, लेकिन इसका भी जवाब आप सेकेंडों में दे सकते थे, और ये वही फॉर्मेट अगर आप ध्यान से देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अब देखिए कितना आसान है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर क्या था, 2 था ना, 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे से आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये साइन चेंज हो जाएगा, और बराबर यहाँ क्या है 14। इसी को सॉल्व करके आपको x का मान निकालना है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 2 से अगर मैं 14 काटूंगा कितना आया, 7 आया, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो ये आपका आ जाएगा 2x² - 1 = 7, 2x² = कितना जाएगा, 8 आ जाएगा, और x² = कितना जाएगा, ये x² = आपका यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, x² = 4 आ जाएगा, तो x = यहाँ से क्या आया, अंडर रूट अगर लेंगे तो +-2, x = आपका आ जाएगा +-2, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा, सी ऑप्शन, देख रहे होंगे आपका ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमें सी ऑप्शन को टिक करना होगा, किसको सही करना होगा, सी ऑप्शन।
सही है, देख रहे हैं बड़े क्वेश्चंस को भी कितनी आसानी के साथ आप सॉल्व करते हैं, कर सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 225, और 225 नंबर क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका सीएनडी रूल पर आधारित है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा बताइए जल्दी से, और इसका सलूशन आप जरूर देखिएगा। इनफैक्ट मैंने आपको हिंट भी दिया है, और अगर वो हिंट आपको पता है तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सेकंडों में दे सकते हैं, सेकंडों मतलब 5 सेकंड में दे सकते हैं। ठीक है, बाकी तो देखिए, और ये एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के ही ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं कि मैंने ऑप्शन चेंज किया है। ठीक है, तो देखा जाए आंसर आ जाना चाहिए अब तक फिलहाल, इसका आंसर क्या आ रहा है बताइए। देखिए दो चीज़ें, या तो यहाँ देखिए सीएनडी रूल से पूरा सॉल्व करिए, जब सीएनडी रूल से सॉल्व करेंगे तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर आएगा, वर्गमूल लेंगे एक्स वाई आएगा, फिर एक्स अपॉन वाई को होल क्यूब करके फिर सीएनडी रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तब जाकर आपका ये फॉर्मेट बनेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि आपसे पूछा क्या है, अंश में अगर आप ध्यान से देखें एक्स क्यूब में आप कुछ घटा रहे हो, और यहाँ पर एक्स क्यूब में क्या कर रहे हो, कुछ जोड़ रहे हो, तो सीधी सी बात है अंश वाला छोटा होगा, किसके कंपेयर में, हर के कंपेयर में क्या होगा, छोटा होगा, मतलब हर वाली वैल्यू अंश से क्या होगी, बड़ी होगी, हर वाली वैल्यू अंश से बड़ी होगी। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, बचा क्या, डी ऑप्शन। आया समझ में? तो इस तरीके से आप अप्रोच के साथ आपको यहाँ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, और इससे बेस्ट अप्रोच नहीं हो सकता, क्योंकि आपको ऑप्शन को बराबर ध्यान देना है, ऑप्शन को बराबर सम्मान देना है। ठीक है, तब आप खुश रहेंगे एग्जाम में और डांस भी करेंगे। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये 225 हो चुका है, और भाई सेशन को आपको अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर ये आपका 226 है, तो इसमें तो ज़्यादा टाइम लेना ही नहीं है। इस टाइप का आंसर हमेशा क्या रहता है, इस टाइप का आंसर दो ही आएगा, 226 का आंसर क्या आ गया, दो आ गया। ठीक है, चलिए 227 पे आते हैं, 227 पे आते हैं, और बताइए इसका आंसर क्या आएगा, चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट। बताइए यहां पर डायरेक्ट आप सीएनडी रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्वाड्रेटिक, ये आपका बन जाएगा क्यूबिक। और देखिए कुछ चीजें तो आपको दिखनी चाहिए जब आपका अलजेब्रा, जैसे अभी आप लोग अलजेब्रा जब आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें वहां से भी आपको हेल्प मिलेगी, तो यहां पर आपको दिखना चाहिए जैसे ये एक्स क्यूब प्लस 3x है और नीचे 3x² + 1 है, तो अगर मैं यहां सीएनडी रूल अप्लाई करूंगा तो डायरेक्ट ये क्यूबिक बनाएगा। और क्यूबिक क्यों बनाएगा, क्योंकि अगर मैं सीएनडी रूल अप्लाई करके दिखाता हूं, अगर मैं सीएनडी रूल अप्लाई करूंगा देखिए क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x + 3x² + 1। ठीक है, और नीचे की साइड जब आप करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब प्लस 3x - 3x² - 1। शायद यहां भी काफी लोग को नहीं समझ में आता, लेकिन जब आप यहां पर भी अप्लाई करोगे सीएनडी रूल तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या होने वाला है। यहां से आपका आया 250, और नीचे से आपका आ जाएगा यहां से 9 में से 1 आ जाएगा 128 आ गया। ठीक है, और जैसे मैं इसको 2 से काटा तो ये आया 125, और ये आ गया कितना 64।
जानते हैं, और जैसे ही 125 64 आया ना, आपका दिमाग खुद ही दो कदम आगे बढ़ेगा, सोचेगा यार 125 और 64 है और ये किसी ना किसी का क्या है, क्यूब है, मतलब 125 और 64 क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है, पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, अगर ये आपका पूर्ण घन संख्या है, इसका मतलब किसी ना किसी का क्यूब है, तो LHS भी क्या होगा, किसी ना किसी का क्यूब होगा। इतने से आपने पकड़ लिया, तो इसका मतलब ये बन जाएगा इधर एक्स प्लस वन और नीचे की साइड बनेगा एक्स माइनस वन का होल क्यूब, होल क्यूब, और ये बन गया क्या, एक क्या सॉरी 125 बटे 64। और जब ये आप हटाओगे, क्यूब हटाओगे यहाँ से, देखिएगा इस क्यूब को अगर हटाओगे तो यहाँ से क्या बनेगा, तो 125 का घनमूल 5 और 64 का कितना जाएगा 4, ठीक है 4 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें, अगर इसकी वैल्यू 9 रख दें, 9 एक 10 और 9 माइनस एक कितना जाएगा 8, तो 2 से काट दीजिए, 5 बटे 4 सेटिस्फाइड कर गया, तो हमारा आंसर क्या है, बी ऑप्शन। आप चाहें तो यहाँ पर भी CND रूल अप्लाई कर सकते हैं, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, तब भी आपका क्या जाएगा, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 228, दो क्वेश्चन और है, एक 228 है, 229 है, फिर यहीं पर हम लोग क्लास को फिनिश करेंगे। और ये क्वेश्चन भी काफी आसान है और इसका जवाब आप मुझवानी दे सकते हैं, फटाफट इसका जवाब दीजिए जल्दी से, 15 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूं। चलिए यहां पर देखिए, इसका जो आंसर आएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, ए ये पूरा ए मान लो और प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मेट आपको याद ही होगा क्या आता था, 4 ए इंटू बी, ए ए क्या है, ए अपॉन 2B है इंटू 2B अपॉन ए, और बाकी ये मतलब इस पूरे की वैल्यू एक बार में आपने लिख लिया, और माइनस यहाँ क्या है 4 है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2B से 2B कट गया, ए से ए कट गया, और 4 माइनस 4 क्या आ गया 0, तो कौन सा आंसर आएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, सी ऑप्शन आएगा, सी 0 0 0 कितना आएगा 0। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, और सिंप्लीफिकेशन में लगभग आपका सारी चीज़ें फिनिश हो गई हैं, बस स्क्वायर रूट ऑफ सर्ट्स आपका रह गया था, और देखते हैं उसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद परसों से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रा बीजगणित। चलिए इसका जवाब दीजिए फटाफट, 15 सेकंड का फिर से मैं टाइम दे रहा हूँ, और इस बार आप सभी लोगों को आंसर सही से बताना है और जल्दी बताना है। तो इसका जवाब क्या है भाई, देखते हैं, डी ऑप्शन आ रहा है 0, मतलब इसका भी 0 आ रहा है, चलिए चेक कर लेते हैं, फिर से वही बात, ये आपका ए होगा ये बी होगा, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट कर लेते हैं, 4 ये आया, 4 ए बी होता है, तो 4 चौक 16 ए इंटू 3, 16 तीन 48 ए बी, 48 ए बी किसका है पता है, इसकी पूरी की वैल्यू आ गई 48 ए बी, और आगे दे रखा है माइनस 48 ए बी, तो 48 ए बी प्लस में और माइनस में, और काटने में कितना मजा आता है आपको भी पता है, मजा नहीं आता है, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, और ये आज आपका सेशन भी फिनिश होता है, और उम्मीद करता हूँ कि लगभग आपको मैंने 229 क्वेश्चन और उसके अलावा भी बीच में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, लगभग 250 क्वेश्चन, उसके अलावा स्क्वायर रूट ऑफ सर्ट्स रह गया है, एक लेक्चर और है, बाकी आपका सिंप्लीफिकेशन आपका मैं पूरा फिनिश कर दिया हूँ, और ये काफ़ी बड़ा टॉपिक था, ये नहीं कि भाई बस आपको कैलकुलेशन ट्रिक सीख लिया, कैलकुलेशन ट्रिक का कैसा आप यूज़ करते हैं इसमें वो सारी चीज़ें आपने देखी, बेसिक कॉन्सेप्ट
का कैसे यूज करते हैं उसको आपने देखा, स्क्वायर रूट, स्क्वायर सर्ड, स्क्वायर रूट हो गया, और सर्ड्स में आपने देखा क्यूब रूट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं जल्दी, यूनिट डिजिट का यूज कैसे करते हैं, ब्रह्मास का यूज कैसे करते हैं डिजिटल सम का, डिजिबिलिटी रूल का भी यूज कैसे करते हैं फिलहाल, वो तो हम नंबर सिस्टम या एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे तो वहाँ पर और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो क्लास अगर आपको पसंद आई है तो आप कमेंट फिलहाल आप जरूर करिए कि सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर आप जो आपने प्रैक्टिस बैच को आपने ज्वाइन किया यहाँ से आपने क्या सीखा, उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ सीखने मौका मिला होगा, और जल्दी फिर हम लोग मुलाकात करेंगे अलजेब्रा की क्लास में। फिलहाल एक क्लास इसकी और ले लिया जाए, और बाकी जो भी आपकी राय है आप कमेंट बॉक्स में या वहाँ जाकर आप ज़रूर कमेंट करें, और तो आज का सेशन यही फिनिश किया जाए। चलिए तो आज का सेशन मैं यही फिनिश कर रहा हूँ, बाकी कल मुलाकात करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।